मेरा नाम महेश कदम है और मैं चित्ताकैम डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चित्ताकैम में आया। चित्ताकैम में आने के बाद मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वज़न कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ, समझे? आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते। तो मेरे को ये बोलना है, मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा मैंने। तो मेरा सवाल ज़रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ, ज़्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए, फिर चित्ताकैम में गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जब आपको कंप्लीट करूँगा फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी। जब चित्ताकैम में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका, और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है, जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, और ये खुराक में लेना अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते गोश्त खाते इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप, सवाल एक दो बाद में कतार के पीछे फिर आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम को मिजाज देते हैं 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे 9 साफी है। कोई मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे, वो हमारे आगे थे, आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला उनको नहीं मिला, ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना गोश्त खाना गलत नहीं, इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फ़र्ज नहीं है, कि
इधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज़ हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब, शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा, तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या, उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी। उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं, भाई साहब आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बन गए तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने के वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सजदे से देता है आदमी को निजात। मतलब जिसे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते। आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते? दिल से। अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु, अशहदु अल्लाह, अल्लाह इलाहा, इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह वाशहदु, वाशहदु अन्ना, अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु उर्फुलहु, उर्फुलहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं और मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर, पैगंबर और बंदे हैं, बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ जी साजिद हाँ। लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूँगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि ज़िंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और ज़िंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे ज़िंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए, मैं मुसलमान बन रहा हूँ। तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है कि हम दुआ करें उनकी ज़िंदगी में तकलीफ ना आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम, कदम आम तौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में, तो आपको सरनेम वही रखना ज़रूरी है। आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा, आप अच्छा, अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई साहब, भाई साहब बोलिए, भाई साहब बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं जी। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना। बराबर बराबर की नहीं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि तकलीफ ना है, ये कहूँगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो
अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुबहाना ताला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा ना सके। अल्लाह ताला का वादा है, फिर भी हम दुआ करते हैं या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी ज़िंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में पहुंचने से पहले मैं भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि वो मराठी में कुरान डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से ले लें।